मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम नेहरू पार्क यमुनानगर में इकट्ठे हुए हैं और 25 जो दिसंबर को एक आक्रोश रैली जो है सरकार के खिलाफ अतिथि अध्यापक करने जा रहे हैं और उस रैली का नेतृत्व भाई काली रमन जी, राजकुमार काली रमन जी कर रहे हैं। और क्या क्या मांगे जो हैं उस रैली की रहेंगी और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि क्या डिमांड्स जो है मांगे अपनी जो है सरकार से रखेंगे, तो हम बातचीत करते हैं काली रमन जी से। तो राजकुमार काली रमन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और जो 25 दिसंबर की जो रैली है उसका क्या उद्देश्य है, क्या आपकी डिमांड्स हैं सरकार से? सर, उसका उद्देश्य है 17 वर्षों से जो गेस्ट टीचर का शोषण हो रहा है उनको नियमित करवाना, और जो सरकार ने बार बार वायदे करके सरकार मुकर गई है उन वायदों को पूरा करना। 25 दिसंबर की जो हमारी रैली है बहुत ही ज़ोरदार रैली होने जा रही है और मेरा सभी गेस्ट संगठनों से आग्रह है कि इसे गेस्ट हित को समझते हुए इसको पूरा कराने में मदद करें। और ये रैली आम गेस्ट टीचर की रैली है, ये किसी यूनियन की रैली नहीं है, तो इसलिए सभी आम गेस्ट टीचर से, आम गेस्ट साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के रैली को कामयाब बनाएं और सरकार को झुकाने का काम करें। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम ज़ोरदार प्रदर्शन करेंगे। हमारी सबसे पहली मांग है कि साथियों को नियमित किया जाए जिनका 17 वर्षों से शोषण हो रहा है, और जो साथी दूर दराज के इलाकों में भेज दिए गए हैं 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, उनको तुरंत ही एक आदेश से गृह जिले में वापसी कराई जाए। और जो ग्रेजुएटी की मांग पिछले साल उठाई थी उनके लेटर जारी कर दिए जाएं। जब तक ये मांगे सरकार नहीं मानेगी हम आंदोलन लगातार करते रहेंगे। इसलिए मेरा सभी संगठनों के सभी सम्मानित साथियों से और सभी सम्मानित गेस्ट भाई बहनों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर सरकार का विरोध करें और सरकार से अपनी मांगें मनवाने का काम करें, क्योंकि सरकार ने, इसी सरकार ने वायदे किए थे कि पहले कलम से गेस्ट टीचरों को पक्का किया जाएगा, लेकिन आज तक ना सही का पता लगा ना कलम का पता लगा और गेस्ट टीचरों को 400-400 किलोमीटर दूर भेजकर उनको अपमानित किया गया, जो बहुत ही असहनीय है। हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। गेस्ट टीचरों से दोबारा से अनुरोध है कि अपनी मांग